विज्ञान पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम बात करें तो एमएससी फाइनल ईयर बोर्ड ने पेपर एट यूनिट सेकेंड इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने इकोसिस्टम स्टार्ट किया था। तो इकोसिस्टम के अंदर हमने बायोटिक और अबायोटिक दो फैक्टर पढ़े थे। तो बायोटिक फैक्टर के अंदर प्रोड्यूसर, मैक्रो कंज्यूमर, माइक्रो कंज्यूमर आते हैं। एबायोटिक फैक्टर के अंदर लाइट, सोयल, टेम्परेचर, वाटर आता है। तो जो पहले स्टार्ट किया हमने बायोटिक फैक्टर, तो बायोटिक फैक्टर के अंदर हमने सबसे पहले बात की थी प्रोड्यूसर की। तो प्रोड्यूसर के बारे में हम बात कर चुके थे डिटेल से। उसके अंदर ग्रीन प्लांट आते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसके बाद हमने स्टार्ट किया था कंज्यूमर। तो इकोसिस्टम कंपोनेंट दो प्रकार से विभाजित होता है। पहला है इसके अंदर कैपिटल ए बायोटिक फैक्टर, जो बायोटिक फैक्टर है। और इसके अंदर दूसरा है वह एबायोटिक फैक्टर। अब यहाँ पे जो बायोटिक फैक्टर है, तो बायोटिक फैक्टर की हमने दो कैटेगरी बनाई थी। कैटेगरी फर्स्ट के अंदर ज्यादा प्रोड्यूसर की हमने बात की थी। प्रोड्यूसर के अंदर कौन आते हैं? ऑटोट्रॉफ्स, ग्रीन प्लांट। इसके बाद में जो दूसरी कैटेगरी है उसके अंदर हमने क्या कंज्यूमर 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 को हमने यहाँ पे दो भागों में डिवाइड किया था। तो पहला है इसके अंदर होता मैक्रो कंज्यूमर और दूसरा था यहाँ पे माइक्रो कंज्यूमर। अब जो मैक्रो कंज्यूमर है इसकी तीन कैटेगरी थी, एक हमने डिस्कस करी थी। तो फर्स्ट कैटेगरी उसके अंदर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकंड कैटेगरी के अंदर सेकेंडरी कंज्यूमर, थर्ड कैटेगरी के अंदर टॉप कंज्यूमर। यहाँ तक तो हमने डिस्कस कर लिया था, एक प्रोड्यूसर को डिस्कस कर लिया था, मैक्रो कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर। इसके बाद फूड चेन, फूड वेब, पिरामिड्स, ये सब डिस्कस कर लिया था इसके अंदर डिटेल से। अब हम फूड को डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर, वह है यहाँ पे माइक्रो कंज्यूमर और एबायोटिक फैक्टर। तो जो माइक्रो कंज्यूमर है वो यहाँ पर एबायोटिक फैक्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। एबायोटिक फैक्टर के अंदर टोटल चार फैक्टर हैं। पहला है इसके अंदर लाइट, दूसरा फैक्टर इसके अंदर टेम्परेचर और तीसरा फैक्टर यहाँ पे सोयल, चौथा फैक्टर यहाँ पे वाटर। तो इस वीडियो के अंदर हम एबायोटिक फैक्टर स्टार्ट करेंगे। एबायोटिक फैक्टर के अंदर भी पहले सबसे पहले पढ़ेंगे हम लाइट, लाइट के बाद में टेम्परेचर, टेम्परेचर के बाद में सोयल और सोयल के बाद में हम पढ़ेंगे यहाँ पे वाटर। तो यहाँ पे जो माइक्रो कंज्यूमर रह गया बायोटिक कंपोनेंट का, माइक्रो कंज्यूमर के अंदर डिकम्पोजिशन आएगा और डिकम्पोजिशन किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया और फंगस के द्वारा होता है। तो जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है वो किसके ऊपर होता है? सोयल के ऊपर। तो जो माइक्रो कंज्यूमर है वो हम सोयल के अंदर ही पढ़ेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लाइट, लाइट के बाद हम टेम्परेचर, टेम्परेचर के अंदर हम टेम्परेचर का प्लांट पे क्या इफेक्ट होगा, प्लांट मॉर्फोलॉजी में क्या इफेक्ट होगा, प्लांट फिजियोलॉजी में क्या इफेक्ट होगा, इसी प्रकार एनिमल में क्या इफेक्ट होगा टेम्परेचर का, एनिमल फिजियोलॉजी में क्या इफेक्ट होगा, थोड़े बहुत रूल है वो पढ़ेंगे इसके अंदर। सोयल के अंदर सोयल कंपोजिशन और ह्यूमिफिकेशन और माइक्रो कंज्यूमर, ये सब सोयल के अंदर पढ़ेंगे। और वाटर के अंदर चार प्रकार का वाटर पढ़ेंगे, प्लांट कौन सा अवेलेबल होता है, कौन सा अवेलेबल होता है, तो हम सब एबायोटिक फैक्टर के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एबायोटिक फैक्टर के अंदर। पहला है लाइट।
यहाँ पे जो कैपिटल भी है एबायोटिक फैक्टर अब डिफेक्ट के अंदर भी पहला फैक्टर स्टार्ट करेंगे हम लाइट। लाइट लाइट क्या है? इट इज ए फिजिकल एनवायरमेंट फैक्टर। जो लाइट है वो क्या है? फिजिकल फैक्टर है, एनवायरमेंट फैक्टर है। इसके अलावा हम जो लाइट का मेजरमेंट करते हैं, मापन करते हैं, वो किसके अंदर करते हैं? किसके द्वारा करते हैं? लक्स मीटर या फोटोमीटर के द्वारा। तो लाइट इज मेजर्ड बाय लक्स मीटर और फोटोमीटर। लाइट इज मेजर्ड बाय लक्स मीटर और इसका दूसरा नाम इसका फोटोमीटर। फोटोमीटर एनएम लाइट का मापन किसके द्वारा करते हैं? फोटोमीटर या लक्समीटर लक्समीटर द्वारा करते हैं। अब यहाँ पे लाइट क्या है? इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। लाइट इज ए इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। लाइट में क्या है? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम इकाई। इसके अंदर इसके अलावा सोलर कॉन्स्टेंट। सोलर कॉन्स्टेंट की क्या डेफिनेशन होगी यहाँ पे? सोलर कॉन्स्टेंट की सोलर रेडिएशन बिफोर एंटरिंग द एटमॉस्फेयर कैरी एनर्जी एट सोलर कॉन्स्टेंट रेट। यानी सोलर जो रेडिएशन होगी वो एनवायरमेंट में एंट्री से पूर्व एक कॉन्स्टेंट रहता है, इसको क्या बोलते हैं? सोलर कॉन्स्टेंट। तो सोलर रेडिएशन बिफोर एंटरिंग सोलर रेडिएशन बिफोर एंटरिंग द एटमोस्फेयर एटमोस्फेयर कैरी एनर्जी एट कैरी एनर्जी एट ए कॉन्स्टेंट रेट ऑल्सो नोन एज सोलर कॉन्स्टेंट। सोलर रेडिएशन होगी वो क्या? बिफोर यानी पहले एंटरिंग द एटमॉस्फेयर वायुमंडल में प्रवेश करने से पहले कैरी एनर्जी कुछ एनर्जी ना हो कैरी साथ में रखती है उसको क्या बोलते हैं? सोलर कॉन्स्टेंट रेट। अब यहाँ पे सोलर कॉन्स्टेंट रेट का मान अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पे पहला एबायोटिक फैक्टर के अंदर में लाइट स्टार्ट किया था। लाइट क्या है? इट इज ए फिजिकल एनवायरमेंटल फैक्टर है और इसका मापन किसके द्वारा करते हैं? लक्स मीटर या फोटोमीटर के द्वारा करते हैं। लाइट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। लाइट क्या? प्रकाश विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है। और सोलर कॉन्स्टेंट का क्या है? सोलर रेडिएशन यानी एटमॉस्फेयर में वातावरण प्रवेश करने से पहले कुछ एनर्जी रहती है उसको हम क्या बोलते हैं? सोलर कॉन्स्टेंट बोलते हैं। यहां तक नोट कर लेना।
320 से लेके 400.400 माइक्रो सेकंड है। और इसको आप एंगस्ट्रॉम में बदलो, तो एंगस्ट्रॉम में तक एंगस्ट्रॉम कितना हो जाएगा हमारा, या फिर जिसे अल्ट्रावायलेट ए से फर्स्ट कट है, अल्ट्रावायलेट बी सेकंड कट है, थर्ड कट है, वो अल्ट्रावायलेट सी, इन सब पर लैम्डा वेवलेंथ भी बहुत अलग अलग होगी। यहाँ पे तो अल्ट्रावायलेट बी है, इसकी कैटेगरी कितनी है, 0.200 से लेके 0.320 माइक्रोन। और जो अल्ट्रावायलेट सी है, इसके लिए कितने यहाँ पे 0.100 से लेके 200 से माइक्रोमीटर। अभी आपको जो अल्ट्रावायलेट सी है, इसकी वेवलेंथ यानी लैम्डा, इनमें लैम्डा अल्ट्रावायलेट है तो इसकी लैम्डा क्या है, मैक्सिमम है, तो लैम्डा ज्यादा है तो आप क्या बोल सकते हैं, इसकी वेवलेंथ वेवलेंथ ज्यादा है इसके अंदर क्या आएगा, अल्ट्रावायलेट के अंदर वेवलेंथ ज्यादा है तो इसकी वेवलेंथ ज्यादा और एनर्जी से क्या लेकिन कम हो जाएगी। और जो अल्ट्रावायलेट सी है, इसकी लैम्डा यानी तरंग दैर्ध्य, इसका मान कम है, वेवलेंथ कम है तो इसकी एनर्जी क्या ज्यादा होगी। अब इसकी वेवलेंथ कम है तो ये क्या होगा, सन से एटमॉस्फेयर तक नहीं पहुंच पाएगी, क्यों, इसकी वेवलेंथ कम है। और अल्ट्रावायलेट है, इसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो एटमॉस्फेयर से हमें एनवायरमेंट तक पहुंच पाएगी, कौन सी, अल्ट्रावायलेट है। यहां तक नोट कर लो। डेफिनेशन हो रहा है एल्बिडो वैल्यू, एल्बिडो वैल्यू से कहते हैं यानी एटमॉस्फेयर के अंदर जो लाइट आ रही है उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए कैपेसिटी क्या कहती है, एल्बिडो वैल्यू, द एबिलिटी ऑफ ए सरफेस रिफ्लेक्ट द इनकमिंग रेडिएशन इज कॉल्ड एल्बिडो वैल्यू, द एबिलिटी ऑफ ए सरफेस for
साथ में लेके रिजिस्टम क्या बोलते हैं, सोलर कांस्टेंट बोलते हैं, और यहां पे तो अल्ट्रा वायलेट रे है, उसके तीन कैटेगरी है, अल्ट्रा वायलेट ए, अल्ट्रा वायलेट बी, अल्ट्रा वायलेट सी। तो जो अल्ट्रा वायलेट होगी उसकी वेवलेंथ कितनी है, 0.320 से लेके 400 माइक्रोमीटर तक, और अल्ट्रा वायलेट बी है उसकी कितनी है, 0.280 से लेके 320 माइक्रोमीटर तक, अल्ट्रा वायलेट सी कितनी है, 100 माइक्रोमीटर से लेके 280 माइक्रोमीटर तक। अब यहां पे जो अल्ट्रा वायलेट है इसकी वेवलेंथ यानी लैम्डा तरंग दैर्ध्य का मान सबसे ज्यादा है, तो इसकी जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी, वेवलेंथ ज्यादा होगी इसके अंदर होगी एनर्जी का भी कम होगी। यानी आप इसे समझ सकते हो ये सेल से एट सरफेस तक आ सकते कौन सी अल्ट्रा वायलेट है, फिर अल्ट्रा वायलेट भी है यहाँ पे इसकी वेवलेंथ क्या है, थोड़ी सी कम है, अल्ट्रा वायलेट सी की वेवलेंथ सबसे कम है, लेकिन अल्ट्रा वायलेट सी की वेवलेंथ सबसे कम है लेकिन एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो एनर्जी ओजोन डिप्लेशन के अंदर काम आती है यहाँ पे, यानी ओजोन अपघटन के अंदर काम आती है। अब यहाँ पे छोटी सी डेफिनेशन है एल्बेडो वैल्यू, एल्बेडो वैल्यू से कहते हैं द एबिलिटी ऑफ सरफेस रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट द इनकमिंग रेडिएशन, यानी एबिलिटी क्षमता है वो जितने आप सरफेस रिफ्लेक्ट यानी किसी क्षमता के द्वारा लाइट को परावर्तित करने की क्षमता क्या कहलाती है, एल्बेडो वैल्यू कहलाती है। अब जो एल्बेडो वैल्यू की है सबसे ज्यादा किसके लिए, सनों के लिए, यानी कितनी परसेंट है, 80%, उससे कम किसके लिए, सैंड मिट्टी, मिट्टी के कितना परसेंट करती है, 20-30%, और फॉरेस्ट के लिए 5-10%, यानी फॉरेस्ट के अंदर क्या होगा जो ट्री होंगे तो क्या करेंगे लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो यानी ट्री होंगे वो CO2 और लाइट को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखते हैं, तो यानी रिफ्लेक्ट नहीं करते, इनकी रिफ्लेक्टिविटी कितनी आएगी, 5-10%, सबसे कम वैल्यू किसके लिए आएगी, फॉरेस्ट के लिए। याद करो नोट कर लो फिर आगे। सन से जो लाइट आती है हम उसको क्या बोलते हैं, ISR। ISR की फुल फॉर्म है वो क्या है, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। अब यहाँ पे जो ISR है वो आप यहाँ पे दो कैटेगरी है, जो फर्स्ट कैटेगरी है इसके अंदर क्या है, अदर आएगा 50%, जिसके मान जिसका मान है 50% से ज्यादा होगा तो यहाँ पे जो 50% से बड़ा मान होगा वो कौन से लाइट आएगी, इसके अंदर अक्सरे के अलावा यहाँ पे गामा रे और अल्ट्रा वायलेट रे, और कौन से यहाँ पे इंफ्रारेड, और तो 50% से कम होगी लाइट उसके अंदर कौन सा विजिबल, यानी 50% से अधिक, 50% से मोर यानी अधिक, ये तो क्या होगा विजिबल नहीं होगा, और 50% कम होगा वो क्या होगा विजिबल। लेस देन 50%, 50% से कम, जो 50% से कम होगा उसको क्या बोलते हैं, विजिबल लाइट, यानी दृश्य प्रकाश, जो विजिबल लाइट होगी वो होगी 50% से कम होगी। अब यहाँ पे तरंग दैर्ध्य लैम्डा होगी वो कितनी होगी, 400-700 नैनोमीटर तक। अब इस लाइट के अंदर क्या होगा, प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा तो इसको हम क्या बोल देंगे, पार, यानी फोटोसिंथेटिकली, फोटो सिंथेटिकली
एक्टिव रेडिएशन यानी जो आईएसआर, अब यहाँ पे जो प्रदूषण से लाइट आ रही है उसको क्या बोलते हैं, आईएसआर इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। अब इसमें 50 सेल से ज्यादा लाइट आए तो कौन सी होगी, एक्सरे, गामा रे, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड किरणें, आईआर और इंफ्रारेड अवरक्त किरणें। तो यहाँ पे जो लाइट होगी ये तो प्लांट के फोटोसिंथेसिस में काम आएगी, जो प्लांट के फोटोसिंथेसिस में काम आएगी वो लाइट कितने रहेगी, 50 सेल से कम रहेगी, इसको हम क्या बोलते हैं, विजिबल यानी दृश्य लाइट, विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश। जिसका लैम्ब्डा होगा वो कितना होगा, 400 से लेके 700 नैनोमीटर तक होगा, यानी तरंगदैर्घ्य का मान कितना होगा, 400 से 700। इस लैम्ब्डा इस तरंगदैर्घ्य के अंदर प्लांट क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, तो उसको क्या बोल देंगे, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। अभी यहां तक इसके बाद देखो, अब इसका भी कितना फोटोसिंथेसिस के अंदर इस 50% का भी कितना काम आएगा, 2 से 10%, 2 से 10% काम आएगा। और बाकी इस 2 से 10% का भी क्या होगा, 20% तो रेस्ट वाले में कट जाएगा, और बाकी 1.62 20% इन रेस्पिरेशन। अब यानी 2% से 10% है इसका 20% इसमें काम आ रहा है, रेस्पिरेशन में काम आ रहा है, तो नेट प्रोडक्टिविटी होगी वो कितनी रहेगी यहाँ पे, जैसे 2 का 20% कम कर दो, 2 का 20% कितना हो जाएगा यहाँ पे, 0.4%। तो जब 2 में से 0.4% गया तो कितना बचेगा, 1.6। अब यहाँ पे कितना है, 10%, तो 10% का 20% कितना हो जाएगा, 10 का 20%, तो 10 का 20% कितना हो जाएगा, 2, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 8%, यानी 1.628% क्या रहेगी यहाँ पे, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी NPP। उसका 1 से 5% फोटोसिंथेसिस भी
20% इसमें खर्च हो गया और 20% इसमें खर्च हो गया, तो आप अपने नेट वर्किंग प्रोडक्टिविटी में देखिए वो कितनी मिलेगी। अब ए का 20% ए का 20% कितना आएगा पे 0.2 और 0.2 लेस हो गया आप उससे कम करोगे एक पैसे तो कितना बचेगा 0.8 नेट वर्किंग प्रोडक्टिविटी। इसी प्रकार 5 है तो 5 का 20% इसमें काम आ गया रेस पर इसमें काम आ गया। अब जब 5 का 20% रेस पर इसमें काम आ गया तो यहां पे नेट वर्किंग प्रोडक्टिविटी 4 कैसे जब आप ऐसे निकालते हैं तो आपके इससे 5 है तो 5 का 20% निकालना है परसेंटेज का कंटेंट देन एक दूसरे के लिए दो तो यहाँ पे एक तरफ परसेंट आ गया 1%। अब आप 5 में से एक कम करोगे तो यहाँ पे तरफ जाएगा 4% यहाँ पे नेट वर्थ को रिड्यूस करेगी 4%। इसी प्रकार आप ए का निकालोगे ए का 20% ए का 20% निकालो तो नीचे परसेंट आ 5। अब आप 1/5 करोगे यहाँ पे तो 0.2% रहेगा एक में से 0.2% तो ये 0.2% उसमें काम आ गया रेस प्राइस में तो नेट प्राइस प्रोडक्टिविटी में कितना बचेगा यहाँ पे 0.8%। इसी प्रकार यहाँ पे जो 1% है वो किसमें काम आ गया रेस प्राइस में तो नेट प्राइस प्रोडक्टिविटी बचेगी 4%। तो यहाँ पे ये तो NPPS के पूर्व रूप क्या है नेट प्राइस प्रोडक्टिविटी। अब इसी प्रकार ISR का यहाँ पे ISR में तो लाइट आती है उसमें 50% अधिक लाइट कौन सी होती है एक्सरे गामा रे अल्ट्रावायलेट रे और इंफ्रारेड अवरक्त कितने ये तो 50% से अधिक होती है। ये तो प्लांट फोटोसिंथेसिस में काम में लेगा नहीं जो प्लांट फोटोसिंथेसिस में काम आएगी लाइट वो कौन सी लाइट होगी विजिबल लाइट और उसकी मात्रा कितनी की लेस देन 50% यानी इसकी मात्रा 50% से कम होगी। अब ये 50% से कम होगी और जो विजिबल की लैम्ब्डा तरंग दैर्ध्य कितनी होगी 400 से 700 नैनोमीटर होगी जिसको हम क्या बोलते हैं फोटोसिंथेसिस की एक्टिव रेडिएशन। अब यहां पे फोटोसिंथेसिस की एक्टिव रेडिएशन का यानी 50% से कम लाइट आती है वो प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस में कितना काम आ रही है 2 से 10%। तो इन यूज ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट जो फोटोसिंथेसिस में काम ले रही है वो कितनी 2 से 10%। अब इस 2 से 10% का 20% उसमें खर्च करेगा प्लांट एक बार में एक बार में खर्च करेगा तो उसमें मिलेगी नेट प्राइस प्रोडक्टिविटी 1.68। जैसे सिर्फ दो है दो का 20% निकालना आपको 20% निकालने का कंसेंट रेट 1.05 2/5 क्या कितना आएगा 0.4 तो 0.4% उसमें आएगा एक बार में तो 2 - 0.4 यानी इतना हो जाएगा 1.6% एक्स में अगर नेट प्राइवेट प्रोडक्टिविटी। इसी प्रकार आप जब 10% का 20% निकालोगे तो 10 इसका 20% कितना जाएगा 100 तो एक कितना जाएगा 2% यानी जो यहाँ पे 10% एनर्जी यूज आ रहा है फोटोसिंथेसिस में उसका 20% कितना गया 2% 2% उसमें खर्च करा है रेस्पिरेशन में तो 10 - 2% ये तो रेस्पिरेशन में खर्च करा है तो यहाँ पे जो एनर्जी बचेगी नेट प्राइवेट प्रोडक्टिविटी वो कितनी बचेगी 8% तो उसकी नेट प्राइवेट प्रोडक्टिविटी होगी वो कितनी होगी यहाँ पे 1.8% नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये डायग्राम वाला पूरा है
इक्वेशन अब ऐसा ही ऊपर में अभी लिखी है इंसिडेंट सोलर रेडिएशन इसी प्रकार इसके ऊपर में लिखेंगे फोटोसिंथेटिक रेडिएशन अब यहां पे तो ISR GBP ISR की GBP है यानी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इसकी वैल्यू कितनी है ISR की तो ISR की GBP का मान है ये कितना है GBP ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ये कितनी है 1.5% और जो यहां पे फोटोसिंथेटिक के लिए एक्टिव रेडिएशन है इसकी जीपीपी कितनी आएगी यहां पे 2 to 10% जीपीपी की फुल फॉर्म ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो यहां पे इसकी आईएसआर की मतलब 1 से लेके 5% इसी प्रकार वहां से जो फोटोसिंथेटिक के लिए एक्टिव रेडिएशन है उसकी जीपीपी का मान कितना है 2 से 10% ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी सकल प्राथमिक उत्पादकता अब यहां पे इसका 20% हो इसमें कितना आएगा रेस्पिरेशन में इसका भी 20% इसमें कितना आएगा पे रेस्पिरेशन में तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 20% इन रेस्पिरेशन दोनों का 20% रेस्पिरेशन में खर्च हो गया तो रेस्पिरेशन में खर्च होने के बाद में यहां पे नेट ड्राइव प्रोडक्टिविटी उतनी है 0.84% तो यहां पे भी नेट ड्राइव प्रोडक्टिविटी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो कितनी जाएगी 0.8 से 4% इसी प्रकार जो फोटोसिंथेटिक के एक्टिव रेडिएशन से जीपीपी का मान कितना है 2 से 10% लेकिन 2 से 10% में से 20% इसमें यूज हो गया रेस्पिरेशन में तो रेस्पिरेशन में यूज होने के बाद में नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितनी हो जाएगी 1.6 से लेके 8 तक तो यहां पे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितनी हो जाएगी 1.62 वहां पे लेके 8% एनपीपी का मतलब यहां पे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यहां तक नोट कर लो ये हम डिस्कस कर रहे थे एबायोटिक फैक्टर के अंदर सबसे पहला फैक्टर था लाइट तो लाइट हमने लगभग पूरा डिस्कस कर लिया है लाइट के अंदर मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग की थी लाइट के एक फिजिकली एनवायरमेंटल फैक्टर है यानी भौतिकी पर्यावरणीय कारक है और इसके जो लाइट है उसको हम किसके द्वारा मापन करते हैं मेजर्ड बाय लक्सिनोमीटर या फोटोमीटर के द्वारा इसके बाद में लाइट के जब सन से आती है तो एटमॉस्फेयर में प्रवेश करने से पहले एक कॉन्स्टेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं सोलर कॉन्स्टेंट इसके बाद हमने डिस्कस किया था जो अल्ट्रावायलेट रे होगी वो 3 टाइप की थी अल्ट्रावायलेट ए बी सी जो अल्ट्रावायलेट रे होगी उसकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा या वेवलेंथ सबसे ज्यादा थी तो तरंग दैर्ध्य लैम्डा ज्यादा थी लेकिन उसकी एनर्जी कम थी तो जो एनर्जी कम होने के कारण वो क्या होगी वेवलेंथ कम है तो वो सन से लेके एटमॉस्फेयर तक नहीं पहुंच पाएगी बीच में जैसे जो स्ट्रेप्टोस्फीयर लेयर के अंदर ओजोन मंडल आएगा तो वहां पे तो ओजोन डिप्लेशन के अंदर काम आ जाएगी लेकिन जो अल्ट्रावायलेट सी है अल्ट्रावायलेट सी के अंदर क्या होगा उसकी वेवलेंथ तो क्या है कम अल्ट्रावायलेट सी की क्या है वेवलेंथ कम है लेकिन उसके अंदर क्या है एनर्जी ज्यादा है तो अल्ट्रावायलेट सी उसमें काम आ जाएगी ओजोन डिप्लेशन के अंदर और जो अल्ट्रावायलेट ए होगी उसकी वेवलेंथ ज्यादा है वो कहां पे आएगी एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाएगी इसके बाद में मैंने एक डेफिनेशन डिस्कस की थी एल्बेडो वैल्यू की एल्बेडो वैल्यू किसको बोलते हैं यानी जब सन से लाइट आती है एटमॉस्फेयर के अंदर तो सन से लाइट आने के बाद में एटमॉस्फेयर से ना होने का बर्फ जो बर्फ वाले एरिया होते हैं वहां पे तो लाइट रिफ्लेक्ट क्या होती है मैक्सिमम होती है तो एल्बेडो वैल्यू किसको बोलते हैं जब सन से लाइट आती है लाइट आने के बाद में एटमॉस्फेयर से परावर्तित होकर वापस आती है रिफ्लेक्ट होना ये कहलाता है एल्बेडो वैल्यू सबसे ज्यादा एल्बेडो वैल्यू किसके लिए आती है यहाँ
बर्फ के द्वारा सबसे ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट किया जाता है। उसके बाद में सैंड, सैंड के द्वारा 20-30% लाइट रिफ्लेक्ट हो पाती है, बाकी क्या होती है एब्जॉर्ब होती है। और सबसे कम लाइट रिफ्लेक्ट के द्वारा होती है फॉरेस्ट के द्वारा होती है। फॉरेस्ट के द्वारा 1-5% लाइट रिफ्लेक्ट हो पाती है यानी परावर्तित हो पाती है। मैक्सिमम लाइट किसके अंदर काम आती है, फोटोसिंथेसिस में काम आती है। तो यहाँ पे जो एल्बेडो वैल्यू सबसे कम होगी, लोवेस्ट होगी, वो किसके लिए होगी फॉरेस्ट के लिए, और सबसे ज्यादा एल्बेडो वैल्यू किसके लिए होगी यहाँ पे स्नो बर्फ के लिए होगी। इसके बाद में हमने डिस्कस किया था जो सनसेट लाइट आ रही है उसको हम क्या बोले, आईएसआर इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। अब जो सन के द्वारा लाइट आ रही है आईएसआर, उसका प्लांट कितना परसेंट यूज कर पा रहा है फोटोसिंथेसिस के अंदर, 1-5% फोटोसिंथेसिस में यूज कर पा रहा है। जो प्लांट फोटोसिंथेसिस में यूज कर रहा है उस लाइट को हम क्या बोलते हैं जीपीपी यानी ग्रोथ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रोथ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी सकल प्राथमिक उत्पादकता, इसकी वैल्यू कितनी है 1-5% है। और बाकी 1-5% एनर्जी में भी क्या करेगा प्लांट, 20% किसमें यूज कर लेगा, रेस्पिरेशन में यूज कर लेगा। तो रेस्पिरेशन में यूज कर ली तो वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में काउंट करेगी। तो अब आप यहाँ पे 1 का 20% निकालो कितना आएगा 0.8, और 5 का 20% निकालो कितना आएगा, 1 का 20% निकालो कितना आएगा 0.2। तो आप रेस्पिरेशन को लेस करो कितना बचेगा 0.8। इसी प्रकार आप 5 का 20% कितना होगा 1, 5 का 20% 1 यानी 1% एनर्जी किसमें काम आ गई रेस्पिरेशन में। तो बच गई कितनी यहाँ पे 4% एनर्जी यानी 0.8-4% क्या कहता है कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो आईएसआर का जीपीपी का मान कितना जाएगा 1-5%, लेकिन आईएसआर का नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पूछे आपसे तो कितनी जाएगी 0.8-0.4%। अब आईएसआर में जो लाइट आ रही है यहाँ पे 50% से ज्यादा एनर्जी तो लाइट को कौन सा एक्सरे, एक्सरे प्लांट फोटोसिंथेसिस में कभी यूज नहीं करेगा, ना ही गामा रे को यूज करेगा प्लांट फोटोसिंथेसिस में, ना ही यूज करेगा अल्ट्रा वायलेट रे यानी पराबैंगनी किरणों। यहाँ पे तो अल्ट्रा वायलेट रे ये किसके द्वारा यूज की जाती है फोटोसिंथेसिस में, रेडियल के द्वारा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अल्ट्रा वायलेट रे ये कौन यूज करेगी, रेडियल। और आईआर का मतलब है इंफ्रारेड अवरक्त किरणें, तो अवरक्त किरणें भी फोटोसिंथेसिस में काम आने लगती है। तो आईएसआर का 50% से दवा को फोटोसिंथेसिस में काम ही लेते हैं, यहाँ पे जो काम आता है वो कौन सा कितना परसेंट आएगा 50% से कम वाला भाग। तो 50% से कम वाला भाग होगा उसको हम क्या बोलते हैं विजिबल लाइट यानी दृश्य प्रकाश। जो दृश्य प्रकाश होगा उसकी लैम्बडा कितनी होगी 400 से 700 नैनोमीटर। अब आप इसको एंगस्ट्रॉम में बदलो तो कितना जाएगा 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम इसमें काम आएगा यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में। अब जो 4000 से 7000 नैनोमीटर की लाइट आ रही है उसको क्या बोलते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। अब यहाँ पे फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है इसका प्लांट कितना परसेंट यूज करेगा यानी कितने प्रोडक्शन से कम आ रही है उसका भी 2-10% यूज करेगा प्लांट फोटोसिंथेसिस में। तो यहाँ पे जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है उसका भी यूज करेगा यहाँ पे जीपीपी की 2-10%। अब यहाँ पे जो 2-10% है इसका 20% उसमें काम मिलेगा वो फोटोसिंथेसिस के बाद रेस्पिरेशन में काम मिलेगा। अब रेस्पिरेशन में काम आ गया तो बाकी जो बच गया उसमें काम आएगा बायोमास, जैव भाग बनाने के अंदर काम आएगा। तो यहाँ पे 2% है 2 का 20% आप निकालोगे तो 2 का 20% आएगा 0.4 यानी 2% एनर्जी में से 0.4% एनर्जी तो किसमें काम मिलेगा प्लांट रेस्पिरेशन में काम मिलेगा और बाकी 1.6 किसमें काम आएगी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में काम आएगी। इसी प्रकार यहाँ पे जो 10 है 10 का 2% कितना हो जाएगा 10 का 20% कितना हो जाएगा 2%। तो ये 10 में से 2% एनर्जी तो प्लांट ने किसमें यूज ले ली रेस्पिरेशन में ले ली, बाकी तो 8% एनर्जी बचेगी यहाँ पे वो किसमें काम आएगी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में काम आएगी। अब इसी डायग्राम को मैंने इधर कोड में लिख दिया यानी सोलर रेडिएशन जो सन से आ रही है सोलर रेडिएशन सन से आ रही है उसको मैंने दो भाग काट दिया, दो भाग कौन से एक आईएसआर इंसिडेंट सोलर रेडिएशन और दूसरा कौन सा है फोटोसिंथेटिकली फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। अब यहाँ पे आईएसआर का जो जीपीपी की वैल्यू है वो कितनी है 1-5%, आईएसआर की जीपीपी की वैल्यू कितनी है 1-5% यानी जो फोटोसिंथेसिस प्लांट में यूज करा है वो कितना करा है 1-5% करा है। और बाकी यहाँ पे 20
पे फिर नेट प्राइस प्रोडक्टिविटी बचेगी, उतनी बचेगी आईएसआई की 0.24%। इसी प्रकार दूसरी लाइन है इसके अंदर 16 एडिशन के अंदर, वो कौन सी है? फोटोसिंथेटिक रिएक्टिव एडिशन। इसकी जीडीपी की वैल्यू कितनी है? 2 से 10%, 2 से 10% वैल्यू है। अब इसी का 20% कुछ मतलब कर देगा आगे रेस्पिरेशन में, तो रेस्पिरेशन में खर्च करने के बाद में 2 है, 2 का 20% कितना जाएगा आपके 0.4, तो बचेगा कितना 1.628%। नेक्स्ट क्या बचेगा यहां पे? नेट प्राइवेट प्रोडक्टिविटी होगी। यानी एबायोटिक फैक्टर के अंदर लाइट वाला कंपोनेंट कंप्लीट हो चुका है। अब हम डिस्कस करेंगे लाइट के बाद में टेम्परेचर। टेम्परेचर के अंदर सबसे पहले टेम्परेचर का यानी प्लांट पे क्या इफेक्ट होगा, प्लांट की मोर्फोलॉजी पे क्या इफेक्ट होगा, फिर एनिमल पे क्या इफेक्ट होगा, एनिमल की मोर्फोलॉजी पे क्या इफेक्ट होगा, प्लांट कितने टेम्परेचर की रेंज एक्सेप्ट कर पा रहा है, इसी प्रकार एनिमल कितनी टेम्परेचर की रेंज में जीवित रह पा रहा है। तो इसके लिए 2002 सेल बर्ड लो, एलन लो, बर्डमैन लो, वो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आप यानी लाइट वाला पूरा टॉपिक नोट कर लो, फिर अगले क्लास के अंदर हम टेम्परेचर स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन और फोटोकाइनेसिस। फोटोकाइनेसिस उसको बोलते हैं, यानी प्लांट जब लाइट की प्रेजेंस के अंदर जो मूवमेंट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोकाइनेसिस। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन कहलाएगी। एक छोटी सी डेफिनेशन है, ये वो लिख लेना, इसके बाद में टेम्परेचर डिस्कस करेंगे क्लास में।